अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने गांव। ये देखिए हमारे साथ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मेरे वालिद साहब भी हैं। हम गांव का चक्कर आज लगाएंगे, तो मेरे साथ रहिए। ये हमारा गांव, खूबसूरत गांव, प्यारा गांव। ये देखिए जी, खेती बाड़ी हो रही है। पुराने ज़मानों में लोग खेती बाड़ी करते, अभी ट्रैक्टर का ज़माना हो गया, डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मेरे साथ रहिए हमारे गांव में, आपको मजीद शेयर कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं, दौड़ना है। असल में इन खेतों में गन्ने उगते हैं, फिर उन गन्नों को काटा जाता है और यहाँ पे मौजूद लोग फिर इन गन्नों को साफ करते हैं, उनसे ये छिलके वगैरह उतार लेते हैं, गन्नों को साफ करके इस गद्दे के जरिए वहाँ तक ले जाया जाता है। फिर इसका जूस निकलता है, जूस निकलने के बाद इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इसकी गुड़ बनती है। तो तमाम मराहिल से आपको गुजारेंगे और दिखाएंगे। तो हमारे साथ कोठी, जहाँ से धुआं उठ रहा है और इस जादू की कोठी में बनता है गुड़, यहाँ से गुजर कर जूस निकल कर फिर जूस को गर्म किया जाता है, आग पे पकाया जाता है और हमारे घरों में गुड़ पहुँचती है। तो आइए, जब तक जाते हैं तो प्यास बुझाने के लिए फिर ज़रूरत पड़ती है जूस पीने की। तो जूस यहाँ पे आपको अपनी मेहनत से हासिल करना होता है। वाह, खाते हो? जूस निकलता है, फिर गन्ने को जूस को गुड़ बनाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। उसमें ये एक मरहला ये भी है कि यहाँ पर आग जलाई जाती है, जो नहायत ही सख्त काम है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में 3-4 बजे 2 बजे रात को उठ के यहाँ पे आग जलाई जाती है और आग के ज़रिए जो जूस निकला हुआ होता है उसको पकाया जाता है और पकाने के बाद उसकी गुड़ तैयार होती है।